अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और मेरी वीडियोस भी देख रहे होंगे. स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 11 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी. अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर का एक ही टॉपिक पढ़ा है जिसमें हम लोगों ने देखा था कि हम इलेक्ट्रिसिटी जो है ना डिफरेंट मेथड से प्रोड्यूस कर सकते हैं. हाउ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, कि हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे बना सकते हैं, ऐसे कौन से मेथड्स हैं, ऐसे कौन से वेज हैं जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर सकते हैं. उसमें हम लोगों ने एक छोटी सी एक्टिविटी की थी. हमने क्या किया था, हमने लेमन लिया था और उसके साथ एक कॉपर वायर को कनेक्ट किया था और फिर हम लोगों ने उसके साथ एक एलईडी, एक छोटी सी लाइट जो होती है उसको कनेक्ट कर दिया था. तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि वो जो एलईडी है वो जल गई थी. इसका मतलब है कि लेमन के थ्रू भी हम लोग थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर सकते हैं, लेकिन इससे हम लोग इतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है जिससे हम लोग अपना बड़ा वाला बल्ब या अपने फैंस रन कर सकें, अपना एसी रन कर सकें. इसी तरह हमने एक और पढ़ा था कि हम लोग क्या करते हैं, हम एक स्टेशनरी कॉइल लेते हैं और बीच में रख देते हैं मैग्नेट, तो और उसके बाद जो है ना जब कॉइल रन करती है तो उसकी वजह से भी जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, क्योंकि जब वो कॉइल रन करती है तो वो जनरेटर्स को रन करती है और वो जनरेटर्स बाद में इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं. आज हम लोगों ने और भी मेथड्स पढ़ने हैं, कैसे और कौन से वेज हैं और कौन से मेथड्स हैं जिससे जो है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. उससे उनमें से एक और एक मेथड है बाइसिकल डायनेमो का. बाइसिकल डायनेमो में भी जो है ना छोटा सा एक जनरेटर प्रेजेंट होता है जो कि जो है इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता है. अब है क्या है बाइसिकल डायनेमो, हम लोगों ने देखते हैं जो हमारी बेस्ट बाइसिकल होती है, जो हमारी साइकिल होती है पैडल वाली, उसके सामने एक छोटा सा लैंप लगा होता है और उस लैंप के नीचे वो जो लैंप है वो टायर पे एक डायनेमो सा कनेक्ट हुआ था उसके साथ कनेक्ट होता है. जैसे आप डायग्राम में भी देखें तो साइकिल के ऊपर जो एक लैंप है, एक लाइट सी है और उसके नीचे एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो कि उसको डायनेमो कहते हैं. उस डायनेमो में एक छोटा सा जनरेटर प्रेजेंट होता है. वो जब जनरेटर चलता है ना तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और जब वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो जो हमारा लैंप है वो चलता है. अब वो डायनेमो बना किससे होता है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? बेसिकली वो डायनेमो इस तरह का होता है, उसके बाहर जो है एक स्टेशनरी कोइल का मतलब है कि वो कोइल मूव नहीं कर सकती, वो प्रेजेंट होती है और बीच में जो है ना मैग्नेट प्रेजेंट होता है. हम लोगों को पता है मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, ठीक है. अब क्या होगा कि जब हम लोग अपने पैडल को रन करेंगे तो क्या होगा कि ये जो मैग्नेट है ना ये भी रन करेगा, ये मूव करेगा. जब ये मूव करेगा ना तो ये एक्टिव करेगा, इसके अंदर एक छोटा सा जनरेटर प्रेजेंट होता है, उस जनरेटर को चलाएगा, उसको स्टार्टअप करेगा. उसके बाद जब जनरेटर एक्टिवेट हो जाएगा, जनरेटर चलेगा, तो उसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी. जैसे हम लोग जनरेटर नॉर्मल वाला जनरेटर भी रन करें तो हमने बेसिकली करना क्या था, हम पहले उसकी कॉइल को रन करते हैं और उसके बाद वो जनरेटर चल जाता है और जब जनरेटर चल जाता है तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी हम उससे हासिल कर सकते हैं. सेम यहीं पर यहाँ पर भी ऐसे होता है, जब हम पैडल को रन करते हैं तो क्या होता है कि हमारी मैग्नेट मूव करती है, क्योंकि कोयल तो मूव नहीं कर सकती, वो तो इमूवेबल है, जबकि हमारा मैग्नेट मूवेबल है. तो जब हम पैडल को रन करते हैं तो मैग्नेट भी हमारा मूव करता है और जब मैग्नेट मूव करता है तो उसकी वजह से हमारा जनरेटर एक्टिवेट होता है और जब वो जनरेटर एक्टिवेट होता है तो उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी हासिल करते हैं. अब अगर हम लोग पैडल को मूव करना बंद कर दें तो फिर क्या होगा, फिर हमारी मैग्नेट की कोयल मूव ही नहीं करेगी. जब ये मूव नहीं करेगी तो हमारा जनरेटर भी नहीं चलेगा और जब जनरेटर भी नहीं चलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं पैदा होगी. इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनेगी तो हमारा जो लैंप है वो भी नहीं एक्टिव होगा, वो भी नहीं जलेगा. इसलिए जब हम पैडल को रन करते रहते हैं तब वो लैंप जो है वो जलता है और जैसे ही हम पैडल को स्टॉप कर देते हैं वैसे ही हमारा लैंप भी चलना बंद हो जाता है. ये था हमारे पास बाइसिकल डायनेमो का स्ट्रक्चर. इसके अलावा एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाने का, वो है पावर प्लांट जनरेटर्स. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पावर प्लांट जनरेटर्स. अब हम लोगों को पता है जनरेटर्स, अब हम लोग जानते हैं कि हमारे जो है जहाँ मर्जी हम लोग देख लें हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही चाहिए. बेशक हम घर की बात करें, घरों में भी हम लोग को हर काम के लिए बिजली चाहिए, कपड़े इस्त्री करने हैं, कपड़े धोने हैं, इवन के खाना बनाने में भी. आजकल तो इलेक्ट्रिक चूल्हे भी आ गए. ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को हर जगह पे चाहिए होती है. इसी तरह इंडस्ट्रीज़ में हम लोग को पता है हमारे खाने की अशिया से लेकर हमारे पहनने की अशिया तक सब कुछ जो है इंडस्ट्री से बनकर आता है.
तो वो इंडस्ट्रीज जो है ना उनको रन अप करने के लिए उन वहाँ पे उनको काम में लाने के लिए वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। अब इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम कैसे पैदा करें? अब जैसे डायनामो, उसमें भी हम लोग को पता है हम लोग को थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। उसके अलावा बाकी जो हमने मैग्नेट कोयल पढ़ा या उससे पहले हमने वो लेमन वाला एक्टिविटी की, उसमें भी हम लोग को इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही हम लोग पूरी की पूरी इंडस्ट्री को रन अप कर सकें। तो हमारे पास कुछ ऐसी स्पेसिफिक जगह होती हैं जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करते हैं, उन जगहों को हम कहते हैं पावर स्टेशंस। सो व्हाट आर पावर स्टेशंस? ये वो प्लेसेस हैं, वो जगह हैं जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी को एक बड़ी तादाद में पैदा करते हैं। अब हमारे पावर स्टेशंस ऐसी जगह हैं जहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी बनती है और उसके बाद जो है ना डिफरेंट ट्रांसमिशन चैनल्स के थ्रू घरों में, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भेज दी जाती है। अब इन पावर स्टेशन की वर्किंग कैसे होती है? सेम इनकी वर्किंग होती है जनरेटर से, और वो जनरेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। अब जनरेटर यूज़ होगा और ये जनरेटर्स जब चलेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे। इन जनरेटर्स के अंदर भी पहले हमारे पास आती हैं कोयल्स। जब तक ये कोयल्स नहीं ना चलेंगी तब तक ये जनरेटर्स नहीं एक्टिव होंगे, और जब तक जनरेटर एक्टिवेट नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं पैदा होगी। तो हम लोगों ने बेसिक करना क्या है, हम लोगों ने अपने कोयल्स को रन करना है। इसमें भी सेम वही केस होता है कि जो हमारी कोयल्स होती हैं वो इमूवेबल होती हैं, मूव नहीं करती। उन कोयल्स के अंदर रखा होता है हम लोगों ने मैग्नेट, और वो मैग्नेट मूव कर सकता है, और वो उस मैग्नेट और जब भी मैग्नेट मूव करेगा तो हमारी कोयल्स एक्टिव होंगी, वो जाके जनरेटर को एक्टिव करेंगी। ओके, अब ये जो हमारे मैंने बोला कि हमारे पास है इमूवेबल कोयल, इसको हम कहते हैं स्टेटर। जबकि जो हमारे पास मूवेबल मैग्नेट है, वो मैग्नेट जो मूव कर सकता है, उसको हम लोग नाम देते हैं रोटर का। व्हाट इज रोटर? रोटर इज द मूवेबल मैग्नेट। अब हम लोगों ने बेसिकली जो है इस मैग्नेट को मूव करना है, रोटर को मूव करना है, यहाँ हम रोटर का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, रोटर को मूव करना है। वो रोटर जाके जनरेटर से लाएंगे, जनरेटर जब चलेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो रोटर को जो है एक्टिवेट कर सकते हैं, कि हम लोग अगर रोटर को रन अप करना चाहते हैं, उसको एक्टिव करना चाहते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमारे पास सबसे पहले आ जाती है वोटर, हाइड्रो पावर स्टेशंस। यहाँ पे हम लोग हाइड्रो मीन्स वोटर, हाइड्रो पावर स्टेशंस, हाइड्रो मीन्स वाटर, मतलब कि ये वो स्टेशन हैं जहाँ पे हम वाटर यूज़ करते हैं, पानी को यूज़ करते हैं। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं डैम, डैम के अंदर हम करते हैं पानी स्टोर, ठीक है। और जब वो पानी फ्लो करता है, हम लोगों को पता है पानी का प्रेशर कितना ज़्यादा होता है, जब वो पानी फ्लो करता है तो वो जाके जो है रोटर को मूव करता है, जब रोटर मूव करता है तो वो जनरेटर चलाता है, और जब वो जनरेटर चलाता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इस तरह से जो है हमारे हाइड्रो पावर स्टेशन जो है वर्क करते हैं। बेसिक हो क्या कर रहा है कि पानी के प्रेशर की वजह से हमारे रोटर मूव कर रहे हैं, उसके वजह से हमारे जनरेटर्स एक्टिव हो रहे हैं, और जनरेटर जब एक्टिव हो रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास हाइड्रो पावर, हाइड्रो तो हो गया, इसके बाद आ जाते हैं विंड पाइप्स। विंड मीन्स हवा। यहाँ पे जो है ना हम लोग विंड पाइप्स कुछ है ना वो कंस्ट्रक्ट कराते हैं किसी स्पेसिफिक एरिया में, जब वो विंड हवा चलती है ना उस एरिया में, ऐसे एरियाज में हम लोग विंड एनर्जी हासिल कर सकते हैं जहाँ पे हवा बहुत तेज़ चलती है, बेसिकली साहिल समुंदर वगैरह वाले इलाके इसके अंदर आ जाते हैं। तो जब हवा का प्रेशर ला के लगता है हमारे रोटर्स पे, वो जब घूमते हैं तो वो जनरेटर्स को एक्टिवेट करते हैं, और जब जनरेटर एक्टिव होते हैं तो वो जाके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक और आ जाते हैं, उनको हम कहते हैं थर्मल पावर स्टेशंस। थर्मल पावर स्टेशंस में क्या होता है, थर्मल में मतलब थर्म से निकला है, जिसका मतलब होता है हीट, मतलब कि यहाँ पे हम हीट को यूज़ करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, हम एक बहुत बड़ा जो है ना इंडस्ट्रीज़ में बहुत बड़ा फ्लास्क सा लेते हैं, और हम लोग वहाँ पे बर्न करते हैं नेचुरल गैस को, पेट्रोल को, कोयले को, इस तरह की चीज़ों को बर्न करते हैं जिससे हम लोग को हीट मिल सकती है, हीट एनर्जी जिनसे मिलती है। तो
तो हम लोग क्या करते हैं, जब वो हीट एनर्जी हम लोग को हासिल होती है, वो हीट जो है ना बहुत ज़ोर से आकर लगती है रोटर्स पे, वो रोटर्स जब रन अप करते हैं वो जनरेटर्स को चलाते हैं, और फिर वो जनरेटर्स जो हैं इन रिटर्न हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देते हैं। इस तरह से हम लोग हीट की मदद से भी जो है ना इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर सकते हैं। उसके बाद अब इन स्टेशन पर जो है ना इलेक्ट्रिसिटी तो बन गई, उसके बाद जो है ना हम लोगों के पास जो है ना कुछ आते हैं ट्रांसमिशन चैनल्स। उन ट्रांसमिशन चैनल्स के थ्रू हम लोग घरों में इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जो है अपनी इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र कर देते हैं, भेज देते हैं, और वो अकॉर्डिंग टू द डिमांड जो है लोग यूज़ कर लेते हैं। तो अब बेसिकली हमने इस टॉपिक में पढ़ा क्या है, सबसे पहले हमने डायनेमो की वर्किंग पढ़ी है, क्योंकि डायनेमो किस तरह से जब पैडल रन करता है तो जनरेटर को एक्टिव करता है और वो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। सेम इसी तरह इसमें जब रोटर मूव करेगा वो जनरेटर को एक्टिवेट करेगा और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। अब रोटर को मूव करने के लिए डिफरेंट मेथड है जिनमें हाइड्रो पावर एंड विंड एंड थर्मल पावर स्टेशन आ जाते हैं। हीट को, विंड को और वाटर को यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा सन एनर्जी को भी यूज़ करके, जिसको हम सोलर पैनल्स कहते हैं, उसको यूज़ करके भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ये थे हमारे पास सारे मेथड जिसको यूज़ करके हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते थे। इस टॉपिक में आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।